लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोकल कॉर्ड, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे अ लाइन एंड अ पैराबोला। अ लाइन एंड अ पैराबोला, एक लाइन पैराबोला को मैक्सिमम टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो सीकेंट है, एक पॉइंट पर टच करे तो वो क्या है, टेंजेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि ना कट करे ना इंटरसेक्ट करे, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। देखते हैं, लेट लाइन बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड पैराबोला भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए लाइन और पैराबोला के वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में रख देते हैं तो क्या जाएगा, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, ये बनेगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी माइनस फोर ए इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये तो नहीं क्वाड्रेटिक, देखिए अब इस क्वाड्रेटिक का कितने रियल रूट होंगे वो डिपेंड करेगा इसके डिस्क्रिमिनेंट पर। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो सीकेंट हो जाएगी, मतलब दो पॉइंट पे कट करेंगे। दोनों रूट रियल एंड इक्वल हो गए, मतलब एक ही रूट आया तो कॉन्साइड कर रहे हैं तो टेंजेंट हो जाएगी। और कोई रियल रूट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है डी लेस देन जीरो हो जाए तो हम पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर डी विल बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, स्क्वायर करेंगे फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एम सी ए माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहां से सिक्सटीन ए कॉमन ले लें तो ए माइनस एम इंटू सी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये लाइन पैराबोला इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में रख के सॉल्व किया, डी इसका कैलकुलेट करें। अब ये कंडीशन है डी ग्रेटर देन जीरो हो तो, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो लाइन देन लाइन विल बी सीकेंट टू पैराबोला, मींस विल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इफ डी इज लेस देन जीरो then line neither touches nor intersect parabola, d greater than 0 हो तो two distinct points आएंगे, d less than 0 हो तो कोई point नहीं आएगा, और d is equal to 0 हो तो दोनों point coincide कर जाएंगे। ठीक है, दोनों root coincide कर देंगे तो देन लाइन विल बी टेंजेंट, तो टेंजेंट बन जाएगी टू पैराबोला। यही सेम पैटर्न आप देखेंगे इलिप्स में भी, हम ऐसे ही करते हैं हाइपरबोला में भी, इवन सर्कल में भी ऐसे ही किया। एक लाइन ले थी, एक सर्कल था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये मेथड। ठीक है, सभी कर्व में सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में पैटर्न इस तरह से सॉल्व करते हैं। टेंजेंट की क्वेश्चन उसके बाद हम इसमें इंटरेस्टेड है, टेंजेंट की क्वेश्चन में उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से हम देख लेते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, डी बराबर जीरो, और डी जीरो किया तो ए तो जीरो हो नहीं सकता है, यहां से ए बराबर जीरो कर रहा हूं, ए जीरो हो जाएगा तो पैराबोला ही नहीं रहेगा। देखो ए बराबर एम इंटू सी आएगा, तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाई एम। ये सी की वैल्यू ए बाई एम यहां अगर हम रख दें तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होगा, और जब भी सी ए बाई एम होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो वो लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट। मतलब हम टेंजेंट की क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं इस पैराबोला पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स वाला पैराबोला है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम विल बी टेंजेंट टू दिस पैराबोला। सी की वैल्यू ए बाई एम रखोगे तो ये सी इक्वल टू ए बाई एम रखते ये डी जीरो आएगा,
ठीक है, ऐसे ही सर्कल में क्या था, तो वहां क्या आया था, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इनटू रूट वन प्लस m स्क्वायर, टेंजेंट फंक्शन सर्कल के लिए, ऐसे ही इलिप्स करेंगे, हाइपरबोला करेंगे, वहां से आया ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की फंक्शन, इंपॉर्टेंट है। फिर से अभी हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला फर्स्ट फॉर्मेट है कार्टेशियन फॉर्म, थ्री फॉर्मेट है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी में ये थ्री फॉर्मेट आते हैं। सर्कल में भी था ये थ्री फॉर्मेट, फर्स्ट था कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड था पैरामेट्रिक, थर्ड था स्लोप, ये स्लोप पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें स्लोप ही आता है, लेकिन इन पर भी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। कार्टेशियन फॉर्म और पॉइंट फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसमें पॉइंट कर्व के ऊपर दिया हुआ होगा, पैराबोला पे एक पॉइंट अगर दिया है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन लिखते हैं, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करते हैं, एक्स होता है तो एक्स प्लस एक्स वन वाई टू से रिप्लेस करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स वन वाई वन, कोई पॉइंट एक्स वन वाई वन है ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स विल बी, क्या होगा y स्क्वायर यहां क्या लिखोगे, y इंटू वाई वन, x के प्लेस पे क्या लिखोगे, x प्लस एक्स वन बाई टू, तो एक टू कैंसिल तो हुआ टू ए, y इंटू वाई वन बराबर टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन, यही है टेंजेंट फंक्शन। क्या करना होता है टेंजेंट लिखने के लिए, एक्स स्क्वायर जहां भी हो उसके प्लेस पे क्या लिख देते हैं, एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर है तो y into y1 जो है वो रिप्लेस करेंगे, तो y स्क्वायर है x स्क्वायर है, ये तो नहीं रिप्लेस हो, x हो तो उसके प्लेस पे लिखते हैं x plus x1 by 2, y हो तो उसके प्लेस पे क्या लिखते हैं y plus y1 by 2, x into y हो तो x y1 plus x1 y by 2, तो जो होगा इसमें से उसको यूज कर लेंगे। ये पढ़ा था हमने सर्कल में किसी भी 2 डिग्री कर्व पे टेंजेंट की फंक्शन लिखने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, पॉइंट कर्व के ऊपर होना चाहिए। सेकंड फॉर्मेट है पैरामेट्रिक फॉर्म, जनरली अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में और हम पॉइंट अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लेते हैं, क्यों, वहां अननोन कम हो जाता है, एक ही अननोन होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट at square comma 280, at at square comma 280, पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई पॉइंट क्या लेते हैं, ये लेते हैं at square comma 280 on parabola y square is equal to 4a, इस parabola tangent की फंक्शन क्या होगी, y square की जगह क्या लिखोगे, y into y1 मतलब y into 280 बराबर x plus at square by 2, एक टू कैंसिल हुआ था 2a, 2a 2a दोनों तरफ से कैंसिल, यहां से आंसर क्या आ गया, वाई टी बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, टेंजेंट वाई टी बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। थर्ड है स्लोप, स्लोप पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप, ये जो अभी लिखा था y इक्वल टू mx प्लस ay, वही आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a। ऐसा जब कभी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, पॉइंट कर्व के ऊपर हमें नहीं पता है और उसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं स्लोप फॉर्म में ज्यादातर इसका विल बी वाई बराबर एम एक्स प्लस ए वाई,
ये किस पॉइंट पर टेंजेंट होती है पैराबोला का, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ये किस पॉइंट पर टेंजेंट होगी वो पॉइंट भी कैलकुलेट करें। ये हम लोग अभी बताते हैं आपको, वो भी याद रखना है। y is equal to mx plus a by m, ये है टेंजेंट। इससे पहले यहां पढ़ा था टेंजेंट क्या थी, yt बराबर x plus at square। इससे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसको ऐसे ले लो, इसे डिवाइड करो तो y बराबर 1 by t x plus at लिख सकते हैं। अब 1 by t को किससे रिप्लेस कर दो, m से, और t की जगह लिखो 1 by m, तो क्या बन जाएगा mx plus a by m। पैरामेट्रिक से भी स्लोप में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा ये किस पॉइंट पे टेंजेंट होती है, at स्क्वायर टू at। अब t की जगह अगर मैं 1 by m रख देता हूं तो ये पॉइंट आ जाए, तो ये इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, किस पॉइंट पर ये टेंजेंट होती है, दैट इज इक्वल टू a अपॉन m स्क्वायर। t की वैल्यू 1 by m रखे, कवर 2a अपॉन m, इंपॉर्टेंट है ये। y is equal to mx plus a by m is equation of tangent having slope m on parabola y square is equal to 4ax, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, a अपॉन m स्क्वायर कमा 2a by m, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कोई प्रॉब्लम है किसी को, क्वेश्चंस करने से पहले कुछ पॉइंट और प्रॉपर्टीज देखते हैं टेंजेंट से रिलेटेड। फर्स्ट, सभी का फोकस यही है ना, फर्स्ट पॉइंट ले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m ऑन पैराबोला y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h। फिल ज्यादातर क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे है, लेकिन इसी को शिफ्ट करके ये पैराबोला बनता है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस इनटू x माइनस h। इस पर अगर टेंजेंट इक्वेशन लिखने को आ जाए स्लोप m, ऐसा ही हमने सर्कल में भी पढ़ा था, क्या करते हैं बस इस टेंजेंट इक्वेशन में x के प्लेस पे क्या कर दीजिए x माइनस h, y के प्लेस पर y माइनस k, तो टेंजेंट इक्वेशन होगी y माइनस k इज इक्वल टू m इनटू x माइनस h प्लस a अपॉन m। ये टेंजेंट हमने पढ़ी है स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे, और उसी को शिफ्ट करके बनाया। और भी तो स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, तो उन पर भी हम टेंजेंट के इक्वेशन देखते हैं केवल, लेकिन स्लोप फॉर्मेट में। बाकी अगर चाहिए x1 y1 तो वो तो आसानी से बन जाएगा, x स्क्वायर की जगह क्या लिख दीजिए सर, y y1। हां बोलिए सर, जो ये आपने जो पैराबोला लिखा है तो फिर इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अलग होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऐसे नहीं निकालते, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए फिर ओके कैलकुलेट करना हूं। सेकंड, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसमें याद रखिए, बाकी में याद रखने की जरूरत नहीं तो बढ़ता चला जाएगा याद करने का दायरा जो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जिससे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, 90% से ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। और फिर क्वेश्चन मैं अगर कुछ और आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, पैराबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर मैं इसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहे हैं। y square is equal to 4ax square, tangent function kya hai, y is equal to mx plus a by m, clear।
इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर टेंजेंट फंक्शन है y इक्वल टू mx प्लस a बाय m. ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो तो क्या है, a किससे रिप्लेस हो रहा है माइनस a से, तो ये टेंजेंट फंक्शन होगी y इक्वल टू mx माइनस a बाय m. So, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बाई पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बाई इस पैराबोला क्या होगी टाइम, देखिए इसमें एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो गए, ओके तो आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो एक्स बराबर एम वाई प्लस ए बाई ए. लेकिन अगर आपको स्लोप m ही चाहिए, इसका स्लोप m नहीं हुआ, स्लोप m की टेंजेंट अगर लिखनी हो सकते में, इसका स्लोप m नहीं होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1 बाई m. अगर m बनाना है आपको तो यहाँ पे m ना लिख करके यहाँ m1 या m डैश लिख देते, देखिए उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं m स्लोप वाले में. लेकिन नहीं याद हो तो आप बस सिंपली ये याद करो, इससे आप बना सकते हो सर, इसको बनाना है x और y आपस में इंटरचेंज करो फिर वहां से कैलकुलेट कर लो. लेकिन जितना अच्छी तरह से याद होगा जो जो पॉइंट बता रहे हैं उतना बेटर हो जाएगा, क्वेश्चन उतनी आसानी सॉल्व होगा. m डैश से आप डिवाइड कर दीजिए, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन m डैश इनटू x और इसको इस तरफ और m डैश से डिवाइड किया तो माइनस a अपॉन m डैश स्क्वायर. अब 1 बाई m डैश को m से रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि स्लोप हम क्या ले रहे हैं m, तो y बराबर क्या आ जाएगा mx माइनस ए एम स्क्वायर, वाई बराबर एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर. ऐसे लास्ट वन क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए बाई, इसके लिए क्या होना चाहिए बताइए, माइनस एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर. नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, थर्ड पॉइंट. थर्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एग्जैक्टली टू टैंजेंट्स can be drawn to a parabola. From an external point, exactly two tangents can be drawn to a parabola. एक parabola पर ठीक दो tangent draw कर सकते हैं. अगर point क्या हो? External. एलिप्स में भी टू कर सकते हैं, हाइपरबोला में भी, सर्कल में भी. सर्कल में क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है, यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होना जरूरी नहीं, कोई भी करो एग्जैक्टली टू टेंजेंट यार. इस तरह से लेड़ा है टेंजेंट साहब, ये पॉइंट है कोई एच के पैराबोला था, दैट पैराबोला भी वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स. अगर आपसे कहा जाए कि इस एच के से जो टेंजेंट ड्रा की जा रही है उसकी इक्वेशन लिखी, तो हम कहते हैं कि लेट अस अज्यूम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, स्लोप फॉर में अज्यूम कर लेंगे, लेट टेंजेंट भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम. अब ये जो टेंजेंट है किस पॉइंट से है पास हो रही, एच के से, एरिया रहेगा क्वेश्चन में ठीक है, m कैलकुलेट करना है तो एच के इसको सेटिस्फाई करेगा, m आ जाएगा, m की दो वैल्यू आएंगी तो दो टेंजेंट मिल जाएंगे. So since P H K is on it, therefore K बराबर क्या आ गया M H plus A by M. एलजीएम लेंगे H M square minus K M plus A is equal to zero.
इस क्वाड्रेटिक है, कितने रूट्स हैं? दो रूट हैं, क्वाड्रेटिक हुए हैं, दो रूट हो सकते हैं, और ठीक दो रूट आएंगे अगर एक्सटर्नल है तो, पॉइंट कर्व पे है तो एक ही आएगा, अंदर है तो कोई नहीं आएगा। तो इस जब एच और के दिए होंगे तो आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज करो रूट आ जाएंगे। तो फैक्टराइज नहीं हो रहा हो तो आपको समाप्त रूट प्लॉट का रूट सोचना, एम वन प्लस एम टू कितना होगा, के बाई एच, एंड एम वन एम टू के बाई एच, ये होगा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मान लीजिए M1 है, M2, सेम पैटर्न से हम लोग सभी कर्व में ऑब्जर्व करते हैं, सर्कल में भी ऐसे ही पॉइंट पड़ा, साइकिल बोला में भी देखेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट है उसे स्लोप पर टेंजेंट लिखेंगे, एच के सेटिस्फाई कराएंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेंगे। इसके बाद यहीं से एक इंपॉर्टेंट टर्म सभी कर्व में आता है, सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में, क्या टर्म है वो, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल जो टेंजेंट्स 90 लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस ही डायरेक्टर सर्कल होता है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। डेफिनेशन सब में सेम है, सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब में सेम डेफिनेशन। सर्कल में याद है क्या आया था, डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर के लिए कॉन्सेंट्रेट सर्कल था, रेडियस रूट टू टाइम्स थी। लेकिन ठीक है, एलिप्स में भी सर्कल आता है, हाइपरबोला में भी सर्कल आता है। अब देखते हैं पैराबोला में क्या आता है, पैराबोला में अब ये दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन एम वन इंटू एम टू माइनस वन, यहाँ रखो एम वन एम टू की वैल्यू कितनी है, ए बाई एच, एच बराबर कितना आ गया माइनस ही, तो लोकस क्या हो गया एक्स बराबर माइनस ही, और लोकस ही क्या है डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल ए एक्स बराबर माइनस ही, दैट इज एक्स बराबर माइनस ही किसकी इक्वेशन होती है, डायरेक्ट्रिक्स की, एक स्ट्रेट लाइन, इसमें स्ट्रेट लाइन आती है बाकी सब में सर्कल ही रहता है, तो नेम वही रखा है डायरेक्टर सर्कल ही नेम है, डायरेक्टर लाइन नहीं है कहीं भी ना, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन है, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। देयरफॉर डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला की जो डायरेक्टर सर्कल होती है वो उसकी डायरेक्ट्रिक्स ही होती है, मतलब जब भी टेंजेंट्स 90 पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो कहां मिलेगी, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर मिलेगी। कोई डाउट है इसमें बताएं, एक पॉइंट और देखते हैं प्रॉपर्टीज में, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे टेंजेंट पर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट टी टी वन एंड क्यू टी टू ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स विल बी ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टी वन और टी टू टू पॉइंट है, इन पर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, खाली ये पॉइंट पी टी वन है, कोऑर्डिनेट क्या हुआ इसका, ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, क्यू टी टू क्वाड्रेंट क्या होगा, ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन पे क्या होगा, वाई टी वन
फर्स्ट वाली ये टेंजेंट क्या होगी, वाई टी वन बराबर एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। अच्छा ये क्या होगा, वाई टी टू बराबर एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर, एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो फर्स्ट में से सेकेंड माइनस कर दीजिए, क्या वाई इंटू टी वन माइनस टी टू, एक्स कैंसिल, ए टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, टी वन माइनस टी टू कैंसिल होगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए इंटू टी वन प्लस टी टू, ये वाई है, यहां रखेंगे एक्स आ जाएगा, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इस पॉइंट में तो बताएं। पॉइंट्स आमले सभी पढ़ के आइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे।